पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद पूरा देश खुशी के माहौल में नजर आया। पाकिस्तान पर हुए हमले के बाद में मुरादाबाद में भी लोगों ने जगह जगह पर खुशी का इजहार किया और आतिशबाजी छोड़कर मिठाई का वितरण किया। पुलवामा की घटना के बाद देर रात भारतीय वायु सेना के द्वारा पाकिस्तान पर हमला करने और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को नष्ट करने से देश भर के लोगों में खुशी है। सभी देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। भारतीय वायु सेना के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से मुरादाबाद के लोगों में भी खासी खुशी नजर आई। यहां के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जश्न मनाया, साथ ही अपनी खुशी का इजहार किया। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। लोगों ने पीएम से मांग करते हुए कहा कि भारत की ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। मुरादाबाद के पीलीकोठी चौराहे पर इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना था कि आज भारत ने अपना बदला ले लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ईद का जश्न मना रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे को पूरा किया है। देश के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न में सरोवर दिखाई दिए। पीलीकोठी चौराहे पर इस दृश्य को देखकर हर नागरिक खुश होते हुए दिखाई दे रहा था। हर किसी के चेहरे पर खुशी छलकती दिखाई दे रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे आज देश में जश्न जैसा माहौल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्साह है सुबह से लेके, मैं देख रहा हूँ कम से कम नहीं हुए होंगे 100 से ज्यादा लोगों ने कार्यक्रम किए हैं, मिठाई बांटने का काम किया और पटाखे आतिशबाजी कर रहे हैं। लोग इसको बहुत हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे वायुसेना के सैनिकों ने की है। अब आगे की नहीं क्या चाहता है पूरा युवा देश का? आगे के लिए युवा यही चाहता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं पाकिस्तान से बंद हों और पाकिस्तान को जो करारा जवाब ही भारत ने दिया है, ये उसको सबक सीखना चाहिए इससे, ताकि आगे से वो इस तरह की घटनाएं ना करे। हमेशा आतंकवाद के विरोध में रहा है, आतंकवाद को खत्म करके रहेगा, आतंकवादियों को खत्म करके रहेगा, चाहे घर का आतंकवादी हो, चाहे बाहर का आतंकवादी हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। और सब युवा मोर्चे ने प्रण करा है कि हम कंधे से कंधा मिला के हमेशा साथ रहेंगे।